रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेगा, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे। आई होप आपको समझ में आ भी गए होंगे। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जब फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है, तो पहले जाके प्लेलिस्ट में वीडियो सेक्शन आपके रेशियो की ऑलरेडी डली हुई है, तो आप वहां पे जाके विजिट करें और जो रेशियो की जो वीडियो है उसको प्रॉपर तरीके से देखें, ताकि आपका बेसिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रेशियो का ही रहेगा। हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है और कुछ अपने बिल्कुल बेसिक से। पहले हम अपने बेसिक को अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हम कुछ ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो हेलो एवरीवन, दिस इज राशि, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। जैसे कि आप सभी को पता है कि मान अकेडमी चैनल पर आपको मैथ और साइंस की हर वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहती है, वो चाहे किसी भी एग्जाम का, मैं साइंस क्यों ना हो, हर सिलेबस को बिल्कुल देखकर तब डिस्कस किया जाता है इस चैनल के ऊपर। क्योंकि इसमें क्या है कि आपके जितने भी बेसिक है पहले वो क्लियर किए जाते हैं, देन उसके बाद कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और फिर हम प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन लेके आते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। या वो किसी भी कोचिंग ले रहा हो, CTET हो, NVS हो, KVS हो, DSSS भी हो आपका, या फिर वो चाहे 10th क्लास का ही स्टूडेंट क्यों ना हो, हर चीज के यहाँ पे बिल्कुल बेसिक क्लियर किया जाता है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। क्या रेशियो, अगर किसी ने मैं लास्ट वीडियो में नहीं देखी होगी ना, तो उसको भी आज समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले हम जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए थे उनको एक बार डिस्कस करते, रिकॉल कर लेते फटाफट कि हमने रेशियो में क्या पढ़ा था। अब रेशियो, जैसे कि आप सभी को पता है कि रेशियो का मतलब क्या होता है भाई, अनुपात। क्या होता है? अनुपात होता है, ठीक है। अगर मैं हिंदी लिख भी नहीं पाती ना, तो भी फिर भी मैं ट्रांसलेट करके तो बता ही देती हूँ। तो बायलैंगुअल रहती है हमारी, ये नहीं कि बिल्कुल प्योर इंग्लिश वाले भी ये रहते हैं, बायलैंगुअल चलती है हमारी जो क्लास रहती है, ओके। तो रेशियो का अनुपात अभी हमने बताया था, हम दो डॉट से डिनोट करते हैं और कोई दो टर्म लेके चलते हैं हम, ए और बी, ठीक है। कोई दो टर्म लेके चलते हैं हम, ए और बी, और दो डॉट जो हम लगा होता है उससे हम डिनोट करते हैं किसको, रेशियो को। आई होप ये सब चीजें आपको पता होगा। तो हम क्वेश्चन कर रहे थे कुछ इस तरह से कि अगर आपके पास ए रेशियो बी गिवन हो, या फिर बी रेशियो सी गिवन हो, और सी रेशियो डी गिवन हो, और बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोले, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ये निकालने के बोले। और नंबर क्या आपके पास, जैसे आ जाए 2:3 एंड 4:5 और सी रेशो डी 3:4, ये गिवन। और बोले कि अब बताओ ए बी सी डी की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले एक तो मैंने तरीका बताया था कि जो आपको कॉमन दिखाई दे ना, जैसे कि बी कॉमन इन दोनों में, तो पहले बी को कॉमन बना लो। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, तो मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि ए रेशो बी को हम कैसे लिखेंगे, 2:3, देन उसके बाद क्या है, बी रेशो सी की वन है, तो बी रेशो सी को क्या लिख लेंगे, 4:5, सी रेशो डी को हम लिख लेंगे 3:4। अब 3 का जो पड़ोसी है वो 3 है, और इसका भी क्या है, 3 है, इसका क्या आएगा, 5, इसका जस्ट बगल में जो है ना वो इवन नंबर आएगा। अब 3 के बगल में 3 है, इसके बगल में 4 है, और इसके बगल में क्या, 3 है। अब इन सभी का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, 4 2 8 8 3 24, ओके, 3 3 9 9 4 36, ओके, 3 3 9 9 5 45, एंड 4 5 20, और 3 कितना हो गया, 60। अब इनको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करो, तो लोवेस्ट में लेके ध्यान रखना सेम डिजिट से कन्वर्ट होना चाहिए। तब सबको 3 से कट कर दे, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15, और 3 2 6। नेक्स्ट और किसी से ये कट होगा नहीं, तो ए की वैल्यू आ गई b 8 b 12 c 15 d 20। यही हमें निकालना था कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। क्लियर है तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना कि ए की जो रहेगा वो तो लेफ्ट वाला रहेगा, और बी रहेगा हमारा राइट वाला, मिड का जो पॉइंट है बी और सी। अगर इसी क्वेश्चन में बोल देते कि भाई ए और डी की वैल्यू बताओ,
बताओ, मतलब कि आपको बी रेशियो सी ना गिवन हो के क्या दे देते ए और डी, तो कंफ्यूज नहीं होना था ए की मल्टीप्लाई एंड डी की मल्टीप्लाई, दैट्स इट, वही आपका क्या आ गया सेम, जैसे कि इसमें आ गया तो सेम ही सी गई, ये तो हो गया ए की वैल्यू, ये हो जाएगी लेफ्ट साइड डी की वैल्यू, क्लियर नहीं आता। अगर इसी में अगर यहाँ तक ये हो जाता बोलता ए रेशियो सी निकालो, तो फिर सेम है आप ए की वैल्यू ये राइट साइड लेफ्ट साइड की रखो और राइट साइड के आप डी सी की वैल्यू रखो, सिंपल क्वेश्चन आपको इजिली निकल जाएगा भाई, ए रेशियो बी रेशियो सी जो भी हमें निकालना था। क्लियर है तक? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अगर कुछ इस तरह से आ जाए भाई, क्वेश्चन दे दे कि 1:2 है आपके पास और टोटल नंबर दे दे आपके पास, अगर दे दिया क्या रख लेते, चलो 40 रख लिया, बोले से नंबर निकालो, तो सबसे पहले कैसे निकालोगे, इन दोनों क्या करोगे टोटल, तो 1 पहले 1 की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, एवर करेंगे 2 की रिस्पेक्ट में, दोनों को प्लस करेंगे क्या आ गया हमारे पास 3, टोटल कितना है 40, 40 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपके पास आंसर, तो एक आ गया आपके पास 40/3 नंबर आ जाएगा और एक आपके पास 80/3 आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आ गया आपके पास 5:6 आ जाए और बोले टोटल नंबर जो है भाई इसका आ गया आपके पास 33, निकालो इसका, तो पहले हम 5 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे एक और हम 6 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, दोनों को प्लस किया 6 और 5 11, टोटल नंबर कितना है 33, सेम है इसका कर रहे 6 वाले करेगा 11 अपॉन में क्या हो गया 33, 11 11 11 3 33 11 11 11 3 33, 5 3 15 और 6 3 18, ये दो नंबर आ गए 15 और 18 आपके पास। तो ये तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं भाई कि 3:5:7 आपके पास और एक ट्रायंगल जो पैरामीटर है वो ये कुछ गिवन है, तो बताओ इसका और नंबर निकाल दिखो, इसके साइड निकाल के दिखाओ, या फिर एंगल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो जो हम ज्योमेट्री वाला टॉपिक करेंगे ना तब करेंगे हम सारों का, ट्रायंगल वाला जो चैप्टर करेंगे ना उसके अंदर फुल डिस्कस करेंगे उस उन क्वेश्चनों को भी, फिलहाल हम बस इतना करते हैं जो रेशियो से रिलेटेड हो। अब ये तो था बिल्कुल बेसिक जो आपके पेपर में आते ही आते हैं भाई, पेपर में ये वो क्वेश्चन है वो जो चाहे आप लगा लो, आपका नेट का लगा लो, टीजीटी का लगा लो, या फिर आपको जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी का हो गया एग्जाम आपका, या फिर सीटेट का हो गया, डी ट्रिपल एस भी हो गया, एनवीएस होगा, क्योंकि हर एग्जाम में रेशियो जो चैप्टर है वो आता ही आता है। कौन सा चैप्टर? रेशियो एंड जो आपका ये कौन सा प्रॉफिट लॉस वाला जो चैप्टर है, ये तो आपके आते ही आते हैं, और साथ में परसेंटेज वाला चैप्टर, ये तो मेन है। ठीक है, देखो सबका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना सब में सिंपल चलता, सेम चलता, सिंपल है सेम चलता है, वो चाहे आप कोई सा भी एग्जाम, आपको आंसर चाहिए क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे, जरूरी नहीं कि सेम यही क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में, इससे कुछ अलग भी मिल सकता है, डिफरेंट भी मिल सकता है, बट सारा खेल जो किस चीज का रहता है हमारा कॉन्सेप्ट का रहता है, अगर किसी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना तो वो तो फिर इजिली कर लेगा। ओके चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाए आपके पास क्वेश्चन सेकंड कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:4 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:5 और बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो सी, तो फिर इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला था कि जब लेफ्ट साइड करो ना तो वो तो रहेगा ए की और राइट साइड किसकी रहेगी सी की, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे निकल जाएगा 3 × 6 और 4 × 5 = 20। ठीक है, इसको आप लोवेस्ट टर्म कन्वर्ट करो तो लोवेस्ट टर्म कर लेते हैं हम, कैसे 2 के टेबल से हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 0, 3 रेशियो क्या आ गया आपके पास 10 आ गया। अगर आप इसको अपने और प्रॉपर तरीके से करना चाहो कि भाई आप कन्फर्म नहीं हो, तो फिर मैंने आपको मेथड बताया था, ए रेशियो बी को लिखो आप 2:4, बी रेशियो सी को लिखो आप 3:5, 4 के बिल्कुल पास में क्या 4 नंबर है और 3 का 3 में है, मल्टीप्लाई करो 3×2 = 6, 4×3 = 12 और 4×5 = 20, वही आया सेम आपका, इसको लोवेस्ट टर्म आप कन्वर्ट कर लो 2×3 = 6, 2×6 = 12, 2×1 = 0, तो ये आ गया आपके पास, तो ए की वैल्यू ये आ गई, सी की वैल्यू ये आ गया आपके पास और बी का ये आ गया, बी का पूछा तो बी की वैल्यू दो, सी की वैल्यू पूछी तो सी, ए की है तो ए की आपकी,
तो मुझे नहीं लगता है इन ऐसे क्वेश्चनों में अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी, बिकॉज हम लास्ट वीडियो में भी इस टाइप के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। अब करते कुछ नए नए टॉपिक के क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। अब देखो अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते, सबसे पहले हमें क्या करना है, दो चीज देखनी है, उनकी गैप, उनके बीच में जो गैप है वो गैप इक्वल है या नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास कि इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:5 एंड एड टू दिस नंबर 10 तो आपको क्या निकालना है, इसका न्यू रेशियो, फाइंड द न्यू रेशियो, और जो रेशियो है वो कितना गिवन आपको, 5:6। अच्छा न्यू रेशियो तो आपके पास गिवन है, द न्यू रेशियो इतना है एंड फाइंड द नंबर। अब नंबर निकालना आपको, ठीक है। अब इस टाइप क्वेश्चन कैसे करोगे, इसको देखो दो मेथड है, एक तो है आपका बिल्कुल जो हम बोलते हैं बिल्कुल 8th क्लास वाला, क्योंकि रेशियो जो चैप्टर वो आपके 8th क्लास में आता है, तो पहले हम इसको रेज कर लेते हैं। एक तो आपका 8th क्लास वाला कि भाई एक्स वगैरह मान के चलो आप, तो मैं दोनों तरीके बता दूंगी आपको, जो इजी लगे आप वो करो। अगर टाइम आपके पास फालतू है भाई एग्जाम में तो आप एक्स मान के चलो, और टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। पहले क्या आ गया हमारे पास नंबर 4:5 और 1:5 कितने की है, 5:7, इनमें ऐड कितना करना है, 10 ऐड करना, कितना ऐड करना, 10। तो सबसे पहले क्या करोगे कि गैप चेक करो, गैप देखो इसमें 6 और 5 में 1 का गैप है, 4 और 5 में 1 का गैप है, मतलब कि गैप हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब 1 में वो ऐड कर रहा है कितना, 10 ऐड कर रहा है, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या हो गया हमारे पास, अगर हम करें 10 चौक 40 और 10 5 कितना 50, कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वही नंबर आएगा 4 और 5। आपके पास नंबर गिवन होगा ऑप्शन में 40 and 50 या 50 या 60 या 60 या 70, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 40 and 50। अगर इसी को हम बिल्कुल बेसिक से करें एक्स मान के, तो कोई भी नंबर है लेट द नंबर, उस नंबर क्या मान लोगे आप, एक्स मान लोगे, ठीक है। मान लिया, अब ये क्या हो गया 4x, कितना ऐड करना है 10, और 5x में कितना करना है 10, और न्यू रेशियो क्या है 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 was 24x plus 10 is 60, 5 5 is 25x plus क्या होगा 50, ठीक है। ये साइड आएगा क्या होगा माइनस का x, ये साइड जाएगा ये भी क्या होगा माइनस का 10, मतलब x की वैल्यू क्या होगी 10 आ गया आपके पास। तो हम क्या लेके चल रहे थे, 4x लेके चल रहे थे, क्या होगा 40 और एक क्या होगा 10 5 50। आगे चीज समझ में, अब देखो ये इतना कैलकुलेशन बेस है जो पेपर में आपका टाइम मांगता है, बट ये क्या हो गया आपको डायरेक्ट हो गया कि आपको बस ओनली गैप चेक करना है, गैप इक्वल है या नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इस टाइप को देखो। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, गैप इक्वल नहीं लेके चलेंगे हम, ठीक है, गैप हम इक्वल नहीं लेके चलेंगे। ये था गैप इक्वल वाला, जो हमारा गैप इक्वल अगर आ जाए तो किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अपने वेरिफिकेशन के लिए इसमें x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट नंबर अगर आपके पास आ जाए, यहाँ पे मैं अगर कर देती हूँ 3:5 और यहाँ पे कर देती हूँ 4:7, मतलब कि हमारे पास दो नंबर का जो रेशियो कितना है 3:5 और एक गिवन 4:7। सबसे पहले चेक करो इनका रेशियो, इसमें भी रेशियो जो है वो तो है 2 का, इसमें जो गैप है वो कितने नंबर का, 3 नंबर का। अब बोल रहे हैं कि इनमें जो ऐड करना वो 10 10 ऐड करना है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इसमें हमें गैप इक्वल करना है, अब इनके गैप इक्वल नहीं तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 3 है इस 3 को इनसे क्या करेंगे, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई, तो 3 3 9, 3 5 15, सेम एज इससे करेंगे 2 4 8 और 7 2 14, इनमें गैप इक्वल आ गया आपका। आगे में 6 6 का गैप क्या है, इक्वल है आपका, और हमें नंबर कितने ऐड करने हैं इनमें, 10 करने। अगर एक पे हमारे 10 है तो 10 पे कितना हो जाएगा, 30 और 50, दो नंबर आ जाएंगे ना आपके पास, क्लियर नहीं आ तक भाई। अगर हमारे पास यहाँ पे 10 10 ऐड कर रहे हैं और गैप भी इनका इक्वल है, अगर एक में 10 है तो 3 में कितना हो जाएगा आपके पास 30 और 5 में कितना हो जाएगा 50,
और न्यू रेशियो कितना था हमारा 90, तो एक आ जाएगा 90 और एक कितना आ जाएगा 150। लो वेस्टर्न में कन्वर्ट करोगे तो सेम यही आएगा आपके पास, 3 3 9 3 5 15, तो दो नंबर के आगे आपके पास 30 और 50। वेरिफिकेशन करना चाहो तो आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो इसकी। जैसे वेरिफिकेशन किया हमने, 3x प्लस में क्या हो गया 10 और 5x प्लस क्या हो गया 10। न्यू रेशियो कितना हो गया 4:7, 7 3 21 प्लस कितना हो गया 70, 5 4 20x प्लस कितना हो गया 40। ये हो गया x इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 30 आ गई। 33 33 90 और 30 को 5 से करोगे तो कितना आ गया हमारे पास 9 150। तो आपके पास ये दो नए नंबर आ गए। इसको अगर लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना दे रखा हो ना पेपर में, तो आप लोवेस्ट टर्म में करोगे तो फिर आपका आ जाएगा 3 और 5, एंड अदरवाइज आपका न्यू रेशियो क्या आ जाएगा 9 और 15, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 और 150 आ जाएगा आपका। क्लियर है तक? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर देती हूँ 4:7 कर दिया, दूसरा क्वेश्चन करते हैं 4:7 कर दिया मैंने, और यहाँ पे कर देती हूँ मैं 6:8, तो फिर देखो कि आपको क्या नाम है सेम आता है नहीं आता है। अब चेक करो कि आपका आंसर क्या आता है इसके अंदर। अगर हमने ओल्ड नंबर लिया है 4:7 और न्यू नंबर लिया है 6:8, तो हमें नंबर बताना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि गैप चेक करो 4:7 और 6:8 में, इनके बीच में जो गैप है भाई वो 3 नंबर का आ रहा है, इनमें जो गैप आ रहा है वो 2 नंबर का आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके गैप को इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे हम भाई, 2 को है इन दोनों से मल्टीप्लाई कर, 2 4 8, 2 7 14, 3 को इनसे करेंगे, 3 6 18 और 3 8 24। गैप देखो इनमें गैप इक्वल आ रहा है यार भाई, 6 6 का गैप इक्वल आ रहा है आपका, गैप इक्वल आ रहा है आपके पास, तो एक में कितना बन रहा है आपका ऐड हो रहा है 10। तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा 10 8 जा 80 और एक क्या आ जाएगा आपके पास 140, तो ये न्यू नंबर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है तक? वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम, 4x + 10 7x + 10 इज इक्वल टू 6/8, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 4 जो 32x प्लस 80, 6 7 जो 42x प्लस कितना होगा 60। माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10x, ये जो माइनस का 20 कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 4 जो 8 और 2 7 जो 14। अब देखो हमारे पास जो न्यू नंबर है वो यही आ रहा था हमारे पास, तो ये चीज आपका सेम आ चुका है, ठीक है। एक है ना ये चीज देख लेना कि अगर गैप इक्वल है ना तो उनका जो पहला वाला नंबर रहेगा ना वही आंसर आएगा आपका, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अगर गैप इक्वल है तो इस टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस टाइप क्वेश्चन आई होप आपको आ गए होंगे। तो आप करते हैं एक, अब हमने दो टाइप कर चुके हम रेशियो की, अब करते हैं थर्ड टाइप। दो टाइप हो चुकी है आप लोगों की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसकी थर्ड टाइप। थर्ड टाइप जब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि 2a = 3b = 4c, और बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, मतलब क्या निकालना अपने आ जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a:b:c। तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे देखो एक बार, इस टाइप क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम। पहले हम क्या करेंगे वो k मान लेते हैं, 2a = 3b = 4c, सबको मान लिया हमने k के इक्वल, 2a = k एंड 3b = k एंड 4c = k। यहां सबसे हम a की वैल्यू निकाल लें k/2, b की वैल्यू आ जाए k/3 और c की वैल्यू आ जाए k/4। यहां तक की चीजें देखो आपको समझ में आई या नहीं आई। अब इनको हम लिख सकते हैं ऐसे, 1/2a = 1/3b = 1/4c, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हम चेक करें, ठीक है। देन इसके बाद क्या करें, कुछ मत करो, जो ये डेनोमिनेटर है ना इनका एलसीएम ले लो भाई। 2 3 4 का जब हमने एलसीएम लिया, एलसीएम ऑफ 2 3 4, तो एलसीएम क्या आ गया इनका 12 आ गया, आगे 12 हमारा 12 जो एलसीएम आया उनको कर देते हैं हम इनसे सबसे मल्टीप्लाई, इन सबसे क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई कर दो,
और कुछ मत करो, सॉरी, ठीक है। 2 6 12 3 4 12 4 3 12, तो रेशियो क्या आएगा हमारे पास, 6:4:3, दैट इज योर आंसर। सबसे पहले क्या है कि हमें अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप करोगे इनको के मान लोगे, फिर उसके बाद के मानने बाद वही डेनोमिनेटर उन्हीं नंबर के नीचे क्या आ जाएगा, मैं नीचे आ जाएगा, फिर लोगे आप इनका एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद आप के की वैल्यू, सॉरी, एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो, इनसे कट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे और कर लेते इस टाइप का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आप और निकाल के देख लो, कंफर्म हो जाएगा बिल्कुल आपका। जैसे कि मैं अभी स्टेटमेंट चेंज करूंगी जबरदस्त वाले, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना। अगर मैं कर देती हूँ यहाँ पे कर दिया मैंने 6 से, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कर देती हूँ मैं 12b और यहाँ पे कर दिया मैंने 9c। अब निकालो, बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए रेशो बी रेशो सी, तो सबसे पहले के इक्वल रख लेंगे हम, तो 6a इज इक्वल टू 12b इज इक्वल टू 9c इज इक्वल टू क्या हो गया k। यहां तक की चीज समझ में आई या नहीं आई? अब a की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा k/6, b की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 12/6, सॉरी k/12, और c के रखेंगे k/9, तो a क्या हो जाएगा हमारे पास 1/6a, ये हो जाएगा 1/12b, ये हो जाएगा 1/9c। 6, 12 और 9 का भैया ऐसे हम निकाल दो पहले, तो 3 2 6 3 4 12 3 3 9, 3 2 6 6 4 24 24 3 72 72, जो ऐसे आया उनको इन सबसे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 72 × 1/12 and 72 × 1/9c, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, 6 6 6 2 12 2 6 72 9 8 72, और क्या और भी निकल जाएगा, फिर ये 12:6:8, अगर ऑप्शन ये गिवन है तो बेस्ट है, इसके लोवेस्ट टर्म गिवन तो लोवेस्ट टर्म का 2 6 12 2 3 6 2 4 8, ये इसके लोवेस्ट टर्म आ जाएगी आपकी। क्लियर है तक? तो वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है रेशियो के आपके। अभी तो इसकी टाइप चलती है 5 टाइप, अभी तो हमने बस ओनली बिल्कुल जनरल बिल्कुल इजी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अभी जब इसके हार्ड क्वेश्चन करेंगे ना तब आएगा मजा क्वेश्चन निकालने में। तो एक बार हम गैप वाले क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं, ताकि उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इजिली कर लो, क्योंकि उस टाइप के जो क्वेश्चन है गैप वाले क्वेश्चन, वो आपको जैसे कि नेट एंटी नेट का जो आप एग्जाम दोगे जर्नल पेपर, उससे में भी आते हैं आपके क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते मिलते यूजीसी नेट 90 वालों के लिए मिलते हैं, रेलवे ग्रुप वाले हो गया, सी टेट का हो गया, DSSS भी हो गया, NVS हो गया, तो हर किसी में, और फिर भी इनके तो पेपर ना घुमा फिरा के गिवन रहते हैं, जबकि कभी सुपर टेट में दे दिया, कभी यूपी टेट में दे दिया, कभी सी टेट में दे दिया, वही क्वेश्चन फिर NVS में दे दिया, तो ये फंडा चलता रहता आपका इस पेपर में, आपका नहीं पेपर के अंदर। आप करते 3 टाइप वाले, आप करते 4 टाइप, 4 टाइप अगर आपके पास आ जाए 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी इज इक्वल टू 40% ऑफ सी। अब निकालो ए बी सी का रेशियो, सबसे पहले कैसे निकालोगे, इन सब कैंसिल कर दो, फालतू जो चीज है ना उन सबको कैंसिल कर दो, अब बच गया 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, बन गया ना प्रीवियस को जो प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था उसकी तरह बना ही नहीं बना, देखो अब चेक करो बना या नहीं बना, बन गया ना, तो आप सबसे पहले का एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया 2 3 4 का, 2 3 4 का एलसीएम ले लो आप, 2 1 2 3 2 2 4, 2 3 6 6 2 12, तो एलसीएम कितना आ गया भाई 12 आ गया। अब जो एलसीएम आया ना एलसीएम को इन सबसे क्या करते थे डिवाइड, 2 की टर्म 12 आया था 6 पे, 3 की टर्म आया था 4 पे और ये आया था 3 पे, ये आ गया आपका न्यू रेशियो बन के रेडी हो चुका ए बी सी की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इंटरेस्ट भी लिया होगा आपको क्वेश्चन का। तो हमने आज के दिन टाइप की भाई एक टाइप तो कि हमने ए रेशो बी और बी रेशो सी वाली,
या सी रेशो डी वाली, एक टाइप तो ये हो गई। सेकंड टाइप हमने क्या की थी, हमने सेकंड टाइप बताओ गैप वाली की थी, हमने क्या की गैप वाली की। फिर हमने क्या किया, हमने इस टाइप को परसेंट वाली की, मतलब तीन टाइप हम कर चुके हैं रेशियो के। अभी तो बाबू और बच रहे क्वेश्चन इसमें ऐसे करने के लिए, अभी कंप्लीट नहीं हुए। अभी तो इस टाइप के क्वेश्चन परसेंट में भी आएंगे, ट्रायंगल से रिलेटेड भी आएंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टाइप के भी आएंगे क्वेश्चन। तो आई होप आपको आज ये ठीक लगा होगा सेशन, मतलब कि हमने इजी इजी क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक नहीं मतलब अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना साथ साथ। अब करते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास, फिर दो नंबर की बना आपके पास, टू नंबर आर रिस्पेक्टफुली कितने की बन रहे 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर, मोर देन ए थर्ड नंबर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर निकालना है। क्या गिवन है कि हमारे पास टू नंबर है, 20 और 50% मोर देन ए थर्ड नंबर, तो फाइंड द टू नंबर, बस दो कोई नंबर निकाल के दिखा दो आप, फाइंड द टू नंबर। तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे भाई। अब देखो थर्ड नंबर हमें नहीं पता क्या नंबर गिवन है, और जो रेशो चलता है वो हमारे किस में चलता है, ए रेशो बी रेशो किस में चलता है, सी में चलता है, चलता है नहीं चलता है। थर्ड नंबर हमें नहीं पता है तो हम क्या कर लेते, मान के चलते क्या 100% हमने मान के चल लिया, ठीक है। अब बोल रहे कि जो थर्ड नंबर से 20% मोर देन है, तो ए तो क्या होगी 120% हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 150% हो जाएगा, और सी तो ऑलरेडी हम 100% मान के चल रहे हैं। इन सब को कैंसिल कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या हमारे पास 12, 15 और 10। ये तीनों किसी टेबल में आते हैं हमारे पास, देखो एक बार आते नहीं आते हमें निकालने क्या थी। अगर तीन नंबर पूछे तो ये आंसर आ गया, दो नंबर पूछे तो दो नंबर क्या हो गया 12 और 15 आ गया। शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 4:1 क्या आ जाएगा हमारे पास 5, दैट इज योर आंसर। तो ये इस टाइप ही हो गया हमारे पास फोर्थ टाइप। अब इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाएंगे ना, तो आप छक्के छुड़ा दोगे, गारंटी है आप इजिली इन क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल आपके बिल्कुल बेसिक लगा लो, बेसिक से तो क्लियर कराया भाई, एक्स मान के चलो तो एक्स मान के चलो। टाइम अगर आपके पास नहीं है तो आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो और फटाफट करो। देखो एक बार मैं दोबारा फिट करा देती हूँ जल्दी, अगर गैप इक्वल आ जाए, गैप इक्वल आ जाता है तो जाहिर सी बात है जो आपका ऊपर वाला जो रेशियो है ना वही न्यू नंबर बन जाएगा आपका, वही क्या बन जाएगा न्यू नंबर। अगर आपका गैप इक्वल नहीं है, गैप इक्वल नहीं है तो सबसे पहले उस गैप को क्या बनाओगे आप, इक्वल बनाओगे, क्या बनाओगे इक्वल बनाओगे। देन उसके बाद फिर आपको जो भी नंबर गिवन है, 10 गिवन है, 15 गिवन है, समथिंग कुछ भी गिवन हो, बस एक नंबर को उसको मान लो, न्यू नंबर जो आपके पास गिवन था, ओल्ड नंबर, ओल्ड नंबर से मल्टीप्लाई करो, वही आपका न्यू नंबर बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है तक? आई होप आपको इंटरेस्ट लगे क्लास आज भी। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, प्रोपोर्शन जो टॉपिक रहेगा।